मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने एसवाइल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जारी की ऑडियो क्लिप, जनता से की लामबंद होने की अपील, कहा पानी के मामले में पंजाब के साथ हुई है नाइंसाफी। एसवाइल के फैसले के विरोध में आज अबोहर में पंजाब कांग्रेस की रैली, कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे शिरकत। एसवाइल पर अब पंजाब कांग्रेस ने भी राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पहले ही राष्ट्रपति को लिख चुके हैं चिट्ठी। एसवाइल के फैसले पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर साधा केजरीवाल की चुप्पी पर निशाना, कहा क्या अपनी आवाज गंवा चुके हैं केजरीवाल, पंजाब आम आदमी पार्टी के कपूरी में धरने को बताया फ्लॉप शो। एसवाइल पर आए फैसले के विरोध में पंजाब कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, पूरे पंजाब में किए गए प्रदर्शन। एसवाइल के मुद्दे पर राष्ट्रपति को मिलने को लेकर अपना पंजाब पार्टी के अध्यक्ष सुचा सिंह छोटेपुर की अपनी अलग राय, कहा इससे नहीं निकलेगा समस्या का हल, छोटेपुर का दावा कांग्रेस की देन है, एसवाइल से जुड़ी समस्या उनका विरोध प्रदर्शन बेमाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी की रैली में भी छेड़ा पानी का मुद्दा, कहा दिल्ली को दिए जाने वाले पानी पर फिर से हो विचार, साथ ही कहा हांसी बुटाना नहर का फैसला भी हरियाणा के पक्ष में आने की उम्मीद। एसवाइल मामले में जींद में धारा 144 लागू, कानून व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी गैर सरकारी संपत्ति और नहरों को नुकसान से बचाने के लिए लिया गया फैसला, किसी भी तरह का हथियार साथ लेकर चलने पर भी लगाई गई पाबंदी। आज फतेहगढ़ साहिब में रहेंगे पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी, 5 मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर का करेंगे उद्घाटन। बठिंडा में रेलवे ट्रैक डबलिंग की आधारशिला रखेंगे रेल मंत्री सुरेश प्रभु, 172 किलोमीटर का ट्रैक बनने में लगेगी 1720 करोड़ रुपए की लागत, 4 साल में बनकर होगा तैयार। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए अध्यक्ष कृपाल सिंह बडूंगर ने ली एससीपीसी की पहली बैठक, बैठक में कई अहम मसलों पर हुई चर्चा, पास हुआ बेअदबी की घटनाओं को रोकने से जुड़ा पहला प्रस्ताव, एससीपीसी की सभी सराय को ऑनलाइन करने का लिया गया फैसला। राजस्थान के बुट्टा जोहड़ में पंथक सभा में सरबत खालसा जल्द बुलाए जाने के ऐलान पर बोले एससीपीसी अध्यक्ष कृपाल सिंह बडूंगर, कहा वो जल्द ही इन संगठनों से करेंगे मुलाकात, समस्या का हल निकालने की करेंगी कोशिश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विकास रैलियों का सिलसिला जारी, आज रोहतक के कलानौर में होगी रैली, कई ऐलान होंगे और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। हिसार में विकास रैली करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने और अलग पुलिस जिला बनाने की कही बात। कुरुक्षेत्र जेल पहुंचे हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार का ऐलान, जिन जेलों के पास जमीन है वहां खोली जाएंगी गौशालाएं, फिलहाल प्रदेश की 6 जिला जेलों में गौशालाएं खोले जाने का है प्रस्ताव। हिसार में पुलिस की तरफ से किया गया स्वर्ण जयंती मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाई हरी झंडी, दौड़ खुशियों की रही मैराथन की टैगलाइन, मुख्यमंत्री बोले लोगों को जोड़ने का काम करते हैं ऐसे आयोजन। हमीरपुर के नादौन के खड्डों में अवैध खनन के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलंद की आवाज, अवैध खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का दिया भरोसा, कहा रोकथाम के लिए सूबे के उद्योग मंत्री करेंगे बात। शिमला में नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अथॉरिटी ने कसी कमर, सड़कों के किनारे अवैध निर्माण करने वालों पर शुरू की गई कार्रवाई, कई जगह से अवैध निर्माण को हटाया गया, अतिक्रमण हटाने के लिए 3 टीमों का गठन। ऊना में राज्य स्तरीय सोमभद्र महोत्सव का हुआ शानदार आगाज, आबकारी और कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने किया शुभारंभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है मेले की थीम, पंजाबी गायक जस्सी गिल ने बांधा समा।
शिमला के रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का तीसरा दिन, दूर दूर से पहुंच रहे हैं व्यापारी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने की थी मेले की शुरुआत, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह करेंगे समापन। गाजियाबाद में चल रहे हिंदू अध्यात्म एवं सेवा मेले में एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा बच्चों को उन्होंने दिलाई पर्यावरण की रक्षा की शपथ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए थे डॉक्टर चंद्रा। अपने 3 दिन के जापान दौरे के बाद भारत पहुंचे प्रधानमंत्री, नोटबंदी के फैसले में सहयोग के लिए की लोगों की सराहना, कहा चालाकी करने वालों को छोड़ेगी नहीं सरकार। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, शनिवार को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में तोड़ा सीज फायर, पाकिस्तान की गोलीबारी में 1 जवान शहीद, 2 जख्मी। होशियारपुर में आज से शुरू होने जा रही है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल ओलंपिक्स, भारत के 18 राज्यों से 550 स्पेशल बच्चे लेंगे हिस्सा। नेशनल स्पोर्ट्स डायरेक्टर विक्टर पास होशियारपुर प्रेस क्लब में दी उन्होंने जानकारी। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को लेकर एसजीपीसी की तरफ से अमृतसर में आयोजित हुआ अलौकिक नगर कीर्तन, श्रद्धालुओं ने भारी तादाद में हिस्सा लिया, गतका पार्टियों ने अपने जौहर दिखाए।